वर्षा ऋतु के आने पर जिस प्रकार प्रकृति महक उठती है, ठीक उसी प्रकार वर्षा ऋतु में श्रवण श्रमणी वृंदों के नगरागमन पर जैन अनुयायी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि यही पावन ऋतु हमारे लिए चातुर्मास का पावन पर्व लेकर आती है। देश में विविध स्थानों पर चातुर्मास आयोजित हो रहा है। इसी श्रृंखला में राजस्थान स्थित दादा गुरु राजेंद्र की जन्मभूमि श्री भरतपुर महातीर्थ की पवित्र पावन धरा पर पुण्य सम्राट गुरुदेव श्रीमद विजय जयंत सेन सुरेश्वर महाराज साहिब के पट्टधर शिष्य रत्न गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय नित्य सेन सुरेश्वर महाराज साहिब एवं आचार्य देव श्रीम द्विजय जय रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शुभ आशीष से मालव मणि साध्वी श्री स्वयं प्रभा श्री जी महाराज साहिब की सुशिष्या वचन सिद्ध साध्वी श्री कल्पलता श्री जी महाराज साहिब साध्वी श्री सौम्य गुणा श्री जी महाराज साहिब एवं साध्वी श्री वैराग्य गुणा श्री जी महाराज साहिब का साधनामय चातुर्मास हो रहा है। इस पावन चातुर्मास हेतु विगत 15 जुलाई को साध्वी वृंद का प्रवेशोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। दर्शकों, ये चातुर्मास प्रवेश कोई सामान्य प्रवेश नहीं बल्कि भरतपुर के लिए अविस्मरणीय प्रवेश था, और जब ये शुभ अवसर आया तो भरतपुर जैन समाज का बच्चा बच्चा खुशी से झूम उठा, और झूमेगा भी क्यों नहीं। आखिरकार भरतपुर की यह पावन भूमि गुरु राजेंद्र की कृपा पात्र नगरी और पुण्य सम्राट की प्रिय धर्म नगरी जो है। इसलिए अखिल भारतीय श्री सौधर्म बृहत्त पोकच्छय त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ और श्री राजेंद्र सूरी जैन कीर्ति मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने कड़ी मेहनत और उत्साह दिखाते हुए इस मंगल प्रवेश को यादगार बनाया, और बैंड बाजे वालों ने प्रवेशोत्सव में चार चांद लगा दिए। प्रवेशोत्सव में सभी सौभाग्यवती महिलाएं उत्साह के साथ कलश लेकर चल रही थी, तो वहीं सभी पुरुष की उमंग भी देखने लायक थी। वे सभी गुरु की भक्ति में नाच रहे थे और मंगल जयकारे लगाकर उत्साह प्रकट कर रहे थे। प्रमुख मार्गों से होती हुई प्रवेश यात्रा चातुर्मास स्थल श्री भरतपुर महातीर्थ श्री राजेंद्र सूरी जैन कीर्ति मंदिर पहुंची, जहां मुख्य द्वार पे श्री संघ ने साध्वी वृंदों का स्वागत अभिनंदन भव्य रूप से किया। साध्वी वृंदों ने भी सभी गुरु भक्तों को अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया। तीर्थ प्रवेश के बाद यह प्रवेश यात्रा धर्म सभा में प्रवर्तित हो गयी,
और पूज्य साध्वी श्री कल्पलता श्री जी महाराज साहेब ने मंगलाचरण पूर्वक सभा का शुभारंभ किया। मंगलाचरण उपरांत सौभाग्यवती महिलाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए। स्वागत की शुभ मेला आई, मन में खुशियां ही खुशियां समाई, हो 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 हो। स्वागत की शुभ मेला आई, मन में खुशियां ही खुशियां समाई, स्वागत की शुभ मेला आई, मन में खुशियां ही खुशियां समाई। देखो गुरु बाबा तारे हार हरे किले सबे को बधाई, हार हरे किले सबे को बधाई। इन मधुर प्रस्तुतियों के बाद पूज्य साध्वी वृंदों ने उपस्थित भक्तों को मंगल उपदेश दिया। एक जवाब छे के टूटना साधनो होय छतां मानस खुशी नथी, कारण के एनो स्वभाव क्रोधी छे। क्रोध मानस ना सर्व सुखने साफ करी नाखे छे। क्रोध ए दावानल छे, वडवानल छे अने वैश्वानल छे। પરમાત્માના દર્શન પૂજા પ્રવચન સ્મરણ માટે જેને ટાઈમ નથી મળતો એ રસ્તે ઉભો રહીને કલાકો સુધી વાતો કરી શકે છે। अषाढ़ मास की अमृत राशि में चातुर्मास का किया प्रवेश, श्रावण की झड़िया लड़ी, श्रावण की झड़िया लड़ी, तप की आई बहार है। भादरवा की हरियाली में पर्व प्रयुष्ण का श्रृंगार है। आसोज मास की ओली जी में, आसोज मास की ओली जी में नव जीवन का निर्माण है। कार्तिक के दीप में प्रभु, कार्तिक के दीप में प्रभु वीर प्रभु का निर्माण है, वीर प्रभु का निर्माण है। नमस्कार महामंत्र आराधना का है शंख, नमस्कार महामंत्र आराधना का है शंख। आया है चातुर्मास का प्रसंग, आया है चातुर्मास का प्रसंग। चातुर्मास याने विशिष्ट परमात्मा ने दिखाया हुआ रास्ता के अंदर तू तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए, घर के लिए तू आठ आठ महीना तुम कमाते हो, लेकिन धर्म के लिए परमात्मा ने तुमको चार महीना चातुर्मास के अंदर साधना और आराधना के लिए बताए। अवसर पीढ़ी काल के अंदर तिजारा के अंत में ऋषभदेव परमात्मा ने क्या सिखाए, असी मसीह और कृषि ये तीन कर्म यानी कला तुमको सिखाई है। साध्वी वृंदों के उपदेश के बाद श्री संघ के सदस्यों एवं परम गुरु भक्तों ने एक एक कर अपने भाव व्यक्त किए। तीर्थ के ट्रस्ट की और मेरी भावना है कि यह गुरु जन्मभूमि तीर्थ की स्पर्शना कम से कम एक बार जैन समाज का हर सदस्य करे। यही सभी कुछ तभी संभव है जब परमात्मा गुरुदेव और पूज्य साध्वी जी भगवंत का आशीष और निश्रा मिले। मुझे विश्वास है समस्त गुरुभक्त जो इस चतुर्मास काल में पूज्य साध्वी जी भगवंत के दर्शन वंदन का लाभ लेने आएंगे। अभी मैं मेरे मार्गदर्शक को जब भी जाता हूँ
थराज जाता हूं तो वकील साहब से मिलना होता है जरूर। वकील साहब को मैं कम से कम 15-20 साल से तो जानता ही हूँ। जब भी मिलता हूँ, वकील साहब एक बार भरतपुर पधारो, एक बार भरतपुर पधारो। अब आज मौका आ गया वकील साहब, आज एक बार नहीं, अब आपको हर महीने आना है यहाँ पर और पर्युषण की आराधना करने भरतपुर आना है। मारा जीवन नहीं, तुमने बात कहूँ तो मारा जीवन नहीं अंदर जो सौथी वधुमा वधु परिवर्तन लाव्यो होय अब कर प्रसाद की साथ शुरुआत की अंदर वकीलात करी मुंबई भण्यो कदीए धर्मशाला में जतो नतो धर्म शू छे ए मने कई खबर नथी परंतु जारे मने पुण्य सम्राट नो संपर्क करायो त्यारे मैं पुण्य सम्राट ने पकड़ी लीधा अने आमने छोड़ी दीधा। खरेखर तमने कहूँ छू कि आ भरतपुर छे ने आ भूमि ऊपर एक वक्त पग मूकवो आ भूमि नो दर्शन करवा ये अपना पुण्यनो प्रबल उपयोग छे। ये जो हमारा ट्रस्ट परिवार है बाप जी, एक हमारी बंदी मुठी है, कुछ नहीं। हमने ये धर्मशाल बनाई, ये संकुल बनाया, गेट बनाए और हमारे सौमत मल जी ने इतना देन दिया कि हमारी भावना प्रबल हुई। हमारे गांववासी जो ट्रस्टी और हमारी बहन है, हमें आज सातम के दिन का जो मेला होता है ना, तो हमको लगता है कि भले हमारे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ 1,000, 2,000, 3,000 लोग शामिल होते हैं। और ये भरतपुर की नगरी आज अपने जब आरती में बोलते हैं और आपका यहाँ पदार्पण, आज कितने सालों के बाद कोई चातुर्मास नहीं हुआ और पहला भाव आपका है, ये मैं अंकित शास्त्र में लिखा जाएगा ऐसा मैं आपको बोलता हूँ। अब सबकी भावना है कि हमको भरतपुर ही चौमासा करना, भले 2026 में आज गच्छाधिपति आ जावे लेकिन शुरुआत ये आपके हुई, ये आपके नाम से हमारा ये भरतपुर के ट्रस्ट में हम लिखेंगे। मैं चेन्नई से कल दोपहर को महाराज साहब के पास आया। महाराज साहब के पास जाके जब पहली बार मैं मिला, महाराज साहब का चेहरा देखे एक ऐसा प्रसन्न लगा, मेरे को लगा ये बार को ये भरतपुर का चतुर्मास इतना ऐतिहासिक बनेगा और भी आने वाले वर्ष में हमारे और भी साध्वी जी भगवंत हैं जितने भी है, आने वाले वर्ष में वो सबकी भावना बनेगी कि हर साल वो भरतपुर आवे और चतुर्मास करे। तो अब मैं तो आप सब लोग पधारे, नट्टू भाई साहब से पहली बार मिला हूँ, आपको ही प्रणाम करता हूँ। ऐसे पुण्य आत्मा आपके परिवार में सांसारिक जीवन में पैदा हुई तो इसलिए आपके परिवार को भी खूब खूब अनुमोदना। ये बहुत ही भाग्यशाली परिवार है कि इतनी वृद्ध साध्वी जी भरतपुर में हमारे लिए पधारी। कष्ट हुआ मिच्छामी दुक्कड़म, कोशिश की थी, रास्ते में जगह जगह जाके 2-3 बार मिले, जितना बन सका वो हम सब लोगों ने, समाज के लोगों ने, सुमित जी के परिवार ने, हमने, सतीश जी सब लोग, भागचंद जी सब लोग हम जाया करते थे। इस बीच में यदि हमारी तरफ से कोई तकलीफ महाराज साहब को हुई है तो हम पुनः आपसे मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब एक चातुर्मास एक ऐसी जगह पर मिलने की कल्पना, जब एक तरफ हमारा मोहनखेड़ा जहाँ गुरु जन्मभूमि एवं एक हमारा मोहनखेड़ा जहाँ गुरु निर्माण भूमि एवं एक उसी क्रम में हमारी जन्मभूमि भरतपुर ट्रस्ट है, भरतपुर तीर्थ है, तो निश्चित रूप से गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था इस भरतपुर तीर्थ को आगे बढ़ाने का, निश्चित रूप से आज गुरुदेव हमारे बीच नहीं है परंतु फिर भी उनके सपनों को साकार करना हमारे जन जन का, हमारे गुरु भगवंतों का, हमारे साध्वी जी भगवंतों का दायित्व बनता है एवं उस बारे में हमें बार बार सोचना पड़ेगा। एक ऐसे साध्वी जी भगवंत का जब चतुर्मास मिला है तो निश्चित रूप से भरतपुर वासियों के लिए भी एक मेरा विशेष निवेदन है कि आप तपस्या भले कम होगी तो चलेगी, आप समय कम होगी तो चलेगी, परंतु प्रवचन कभी भी मत छोड़ना। प्रवचन में वो ताकत है, जिन श्रवण में वो ताकत है, उस शक्ति के बल पर आप स्वतः खींच जाओगे। फिर आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि आप 28 कर लो, आप मासिक श्रवण कर लो, स्वतः आपके अंदर भाव पैदा होंगे एवं उस ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। भरतपुर श्री संघ ने प्रवेशोत्सव के इस विशेष अवसर पर सभी दानवीर गुरु भक्तों एवं बाहर से पधारे अतिथि भक्तों का स्वागत अभिनंदन वात्सल्य पूर्वक किया।
नागराज जी, शोभान मल जी, बागरा चोरवाल हस्ते, दिनेश भाई करोड़पति, करोड़पति इनको बापसी ने एक उपनाम दिया हुआ है, दिनेश भाई के नाम से नहीं जानते, करोड़पति आया है बोले तो दिनेश भाई आया है। इस क्रम में आगे परम पूज्य साध्वी वृंदो को कामली भी भेंट की गई और कामली उड़ाने का यह पुण्य लाभ शाह पुखराज जी, दिनेश कुमार जी, करोड़पति बागरा चेन्नई वालों ने प्राप्त किया। श्री संघ ने इनके पुण्य की खूब खूब अनुमोदना की। इस विशेष अवसर को और भी यादगार बनाते हुए बालिकाओं ने भी एक सुंदर भक्ति नृत्य भी प्रस्तुत करते हुए अपनी गुरु भक्ति का परिचय दिया। अंत में पूज्य साध्वी श्री ने मंत्रोच्चार पूर्वक चातुर्मास प्रारंभ किया और श्री संघ को गुरु भक्ति की एक नई सौगात दी। तो दर्शकों कुछ इस तरह हुआ पूज्य वचन सिद्ध साध्वी श्री कल्पलता श्री जी महाराज साहिब, पूज्य साध्वी श्री सौम्य गुणा श्री जी महाराज साहिब, पूज्य साध्वी श्री वैराग्य गुणा श्री जी महाराज साहिब का चतुर्मास हेतु श्री भरतपुर महातीर्थ की पुण्य धरा पर ऐतिहासिक मंगल प्रवेश। परमपिता परमेश्वर श्री वीतराग प्रभु के अनगिनत गुणों से सुशोभित एवं अतिशयों से अतिशयवंत इस पावन तीर्थ में आषाढ़ मास में मेघ और गुरु दोनों बरसेंगे। गुरु के आगमन से श्री भरतपुर तीर्थ की रौनक कई गुना बढ़ गई है और चातुर्मास में तप जप अनुष्ठान भी सानंद रूप से संपन्न होंगे। आप भी सपरिवार पधार कर जिन शासन की शोभा में अभिवृद्धि करें, इस मंगल भावना के साथ दीजिए अनुमति। जय जिनेन्द्र।